प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बीएससी बार प्रथम वर्ष सामान्य अंग्रेजी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पाठ्यक्रम में गद्य संकलन और पद्य संकलन रखा गया है और व्याकरण का भाग रखा गया है। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह बिंदु या अध्याय का नाम है आचरण की सभ्यता और जिसके लेखक हैं निबंधकार सरदार पूरण सिंह। गद्य संकलन के पूर्व के अध्यायों पर चर्चा करते समय हमने देखा कि गद्य के अनेक विधाओं का संकलन अपने पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। प्रथम अध्याय प्रेमचंद की नशा कहानी, द्वितीय अध्याय उषा प्रेमदा की वापसी कहानी और तीसरा अध्याय जो था बसंत का अग्रदूत निराला, इसके रचनाकार अज्ञेय हैं, जो विदा की दृष्टि से संस्मरण है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीसा जो विदा की दृष्टि से रेखा चित्र है और आज जिस व्याख्यान पर हम चर्चा करेंगे वह व्याख्यान है आचरण की सभ्यता, जो निबंध है और इसके निबंधकार हैं सरदार पूरण सिंह। इस व्याख्यान से ठीक पूर्व हमने गद्य में से एक और निबंध पर चर्चा की थी, सन्नी सबसे सुंदर ग्रह गुणाकर मूल्य। प्रिय विद्यार्थियों, निबंधकार आचरण की सभ्यता का चित्रण करता हुआ कहता है कि आचरण की सभ्यता हेतु मनुष्य को कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो जो आचरण की सभ्यता का जो लक्षण हम देखते हैं उसके बारे में निबंधकार चर्चा करता हुआ कहता है कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती होती है। कि जो आचरण की सभ्यता का जो चित्रण निबंधकार कर रहा है वह कहता है कि आचरण की सभ्यता जीवन के अन्य क्षेत्रों से अधिक कहीं आलोकित करने वाली है, जिसमें कविता, साहित्य, धन और राजस्व का उदाहरण दिया है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। निबंधकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के बाद एक गरीब व्यक्ति अपने आचरण के माध्यम से राजाओं या अमीर वर्ग पर अपना प्रभाव दिखा सकता है, अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। आचरणिक सभ्यता के माध्यम से कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त होती है, राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा नेत्र खुल जाता है, चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। निबंधकार आचरण की सभ्यता और आचरण की सभ्यता के बाद पढ़ने वाले प्रभावों का इस अवतरण में उल्लेख करता है, चित्रण करता है, अभिव्यंजित करता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है कि आचरण की जो सभ्यता है वह मौन रहती है, अर्थात किसी के उपदेशों के माध्यम से, किसी के ज्ञान देने के माध्यम से किसी व्यक्ति में आचरण की सभ्यता आ जाए यह संभव नहीं है। ये व्यक्ति के कृत्य पर, व्यक्ति के व्यवहार पर,
व्यक्ति की कार्यशैली के ऊपर निर्भर करता है। और इसी बात को निबंधकार आगे बताता हुआ कहता है कि मृदु वचनों की मिठास में आधुनिक सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्य आधुनिक भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसी की आत्मा का एक अंग हो जाता है। निबंधकार आत्मिक सभ्यता का चित्रण करता हुआ कहता है कि मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और वह मौन व्याख्यान उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। इसी क्रम में निबंधकार आचरण की सभ्यता और उसके ग्रहण करने और उसके प्रभाव को विभिन्न संदर्भों में चित्रित करता है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।